बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम जानकारी देंगे मौसम में क्या कुछ खास रहेगा, देश के किन हिस्सों में बारिश होगी, तापमान की स्थिति कैसी होगी, वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या होगा और कैसे मौसम प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं मौसम की बड़ी खबर क्या है, जो यहां देश के अलग अलग हिस्सों से जो बड़ी खबरें निकलकर आती हैं वो क्या है, इस पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज कहां से जो पहली बड़ी खबर आ रही है वो कहां से, तो आइए देखते हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसी के साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा की, तो आप देख सकते हैं यहां भी गिनी चुनी जगह घने कोहरे की संभावना जताई गई है। कोहरे की स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसे में राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो यहां भी कई इलाकों में घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए बिहार की, तो आप देख सकते हैं बिहार में छिटपुट हिस्सों में जो दिन है वो सबसे ज्यादा ठंडा रह सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो आप देख लीजिए यहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें तो क्या स्थिति रह सकती है मौसम की, क्या कहीं पर चेतावनी जारी की गई है या नहीं, या देश के कौन से हिस्से जहां बारिश हो सकती है। सबसे पहले ये देखते हैं इस मैप के जरिए कि क्या कहीं पर जो चेतावनी है वो जारी की गई है या नहीं। और अलग अलग रंग जो है, जाहिर तौर पर आप इस पर देख पा रहे होंगे, जो केसरिया रंग आप यहां पर देख पा रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, विदर्भ की बात की जाए छत्तीसगढ़, तो यहां पर आपको बता दें बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना जताई गई है, इसलिए सावधान रहने की बात कही गई है। हालांकि बिहार में भी बता दें सबसे ज्यादा जो दिन है वो अधिक ठंडा रह सकता है, जबकि जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं नए क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जबकि जो हरा रंग आपको नजर आ रहा होगा अधिकतर क्षेत्रों में वहां कोई चेतावनी नहीं है। अब आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं बारिश की स्थिति की। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब और हरियाणा में भी कहीं कहीं, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहां पर कई जगह बारिश हो सकती है। ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है खासतौर से। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की क्या स्थिति रहेगी। भाई आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की भी, तो आप देख सकते हैं सब जगह पीला रंग जो है आपको नजर आ रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके साथ साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा की भी बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल और खासतौर से सिक्किम की भी अगर स्थिति देखें तो यहां सब जगह कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तेलंगाना, उसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और खासतौर से तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां फिलहाल कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि जो बाकी हिस्से हैं इनमें बारिश का अनुमान नहीं है। यानी रायलसीमा, कर्नाटका और केरल की हम बात करें और अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं कई जगह यहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। और खासतौर से मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं गुजरात की हम बात करें, सौराष्ट्र की बात की जाए, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, इसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो यहां आपको बता दें कहीं कहीं बारिश हो सकती है, मराठवाड़ा में भी, छत्तीसगढ़ में भी और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आप देख पा रहे होंगे जो पीला रंग है, यानी यहां पर कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में जो बारिश है वो दर्ज की गई या मौसम कैसा रहा। खासतौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात की जाए तो बारिश और बर्फबारी आप देख पा रहे होंगे, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है। वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां बारिश और उसके साथ साथ कोहरे की स्थिति नजर आई। वहीं राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो यहां भी पिछले दिनों जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति रही, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अमूमन जो सभी राज्य हैं उनमें बारिश की स्थिति नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और खासतौर से सिक्किम की अगर बात की जाए, असम में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरा भी छाया रहा, वहीं बिहार और झारखंड में भी यही स्थिति रही। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात की जाए तो यहां कोहरे की स्थिति जो है पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। तो जाना आपने मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान जो मौसम की स्थिति है वो क्या रही देश के अलग अलग हिस्सों में। सबसे ज्यादा जो मौसम का बदलाव है इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यहां पर दर्ज किया गया, वही जानकारी मौसम की चाल में लगातार आपको हम देते हैं। लेकिन देश के ऐसे हिस्से जहां पर तापमान में भी बदलाव हुआ है और वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या रहा, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर जोखिम से निकलकर फसल आए सुरक्षित हो जाए, सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस शहर में सबसे अधिक तापमान रहा, कहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में किस तरह का बदलाव आया। और इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं तापमान के हाल का, जिसमें आपको सारी जानकारी हम देंगे। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान की बात करें, सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। इसी के साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर की और हरियाणा के कुछ इन हिस्सों की, तो आप देख सकते हैं यहां भी जो तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ अगर सामान्य तापमान के मुकाबले खासतौर से बात की जाए। जबकि तेलंगाना की हम बात करें तो यहां भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर खासतौर से विदर्भ की बात करें या गुजरात की हम बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। लगातार आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान में किस तरीके से जो इजाफा है वो दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही आप अगर रुक करते हैं खासतौर से नागालैंड और मणिपुर का तो यहां भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान नागालैंड और मणिपुर के हिस्सों की अगर खासतौर से बात की जाए। और साथ ही सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के लुधियाना में दर्ज हुआ 4.3 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, अब आइए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। तो आप देख सकते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा और उसके साथ साथ तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां पर तापमान जो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अधिकतम तापमान की जानकारी आपको हम दे रहे हैं सामान्य के मुकाबले अगर बात की जाती है। और खासतौर से अगर ना सिर्फ लद्दाख क्षेत्र की अगर बात की जाए बल्कि गिलगित में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अधिकतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया आमतौर पर जितना रहता है उसके मुकाबले अगर बात की जाए। जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी आपको बता दें अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ ही उत्तराखंड की भी अगर बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया आमतौर पर जितना तापमान रहता है उसके मुकाबले अगर देखा जाए। साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहां भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उसी वजह से तापमान में भी हमने देखा किस तरीके से बदलाव जो है लगातार महसूस किया गया। खासतौर से कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं केरल के कोषिकोड में जो अधिकतम तापमान है 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरीके से परिस्थितियां रही देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, आपके शहर की हम बात करें तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। देश के अलग अलग शहरों में तापमान की स्थिति क्या रही ये आपने जाना, लेकिन इन्हीं प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ,
हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक में जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या है, तापमान कैसा रहा, लेकिन इन्हीं प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा दर्ज किया गया, इस पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। अलग अलग प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर कैसी रही वायु की गुणवत्ता। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 329 ये दर्ज किया गया, जो कि एक खराब स्थिति नजर आती है, खराब श्रेणी है। लखनऊ की बात करें तो और भी ज्यादा, यानी 360 रहा, और जो श्रेणी है वो खराब की है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। साथ ही अगर बात की जाए पटना की तो यहां पर ये 100 दर्ज किया गया, जो कि जाहिर तौर पर बिल्कुल सीमा पर है अगर अच्छे की हम बात करते हैं, लेकिन और बेहतर यहां प्रयास करने होंगे। बेंगलुरु में देखिए कम होता नजर आया, 95 यहां दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, जो कि जाहिर तौर पर अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। पुणे की भी अगर बात करें तो ये अच्छी स्थिति में है, बिल्कुल सीमा पर है संतोषजनक के, अच्छी स्थिति गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर नजर आ रही है पुणे शहर की। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे शहरों की अगर बात की जाए वहां पर क्या स्थिति रही, इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे लगातार कि किस तरीके से वायु की गुणवत्ता का जो स्तर है उसमें सुधार होने की संभावना है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर 149 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 247 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़ी खराब स्थिति के अंदर आ रहा है सीधे तौर पर, यानी वायु प्रदूषित है यहां भी। मुंबई की अगर बात की जाए तो 134 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है। भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। अगर आप कहीं पर्यटन के लिहाज से जाने चाह रहे हैं तो वहां पर अलग शहरों का मौसम कैसा रहेगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं मंगलवार बुधवार को यहां पर कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को बिजली की चमक के साथ कुछ एक जगह जो बारिश है उसकी संभावना जताई गई है। और इस दौरान अधिकतम तापमान जो है 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताया गया है। इसके साथ ही अगर आप रुक कर रहे हैं खासतौर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग का, तो आप देख सकते हैं यहां भी क्या स्थिति बनी हुई है। अगले 4 दिन आप यहां देख पा रहे होंगे जो बर्फबारी है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है, और ऐसे में जो तापमान है आप देख लीजिए 1 से 2 डिग्री अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान जो है वो ना सिर्फ -6 डिग्री तक पहुंच रहा है, यानी -3 डिग्री का जो यहां पर गिरावट है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है न्यूनतम तापमान में। और उसी वजह से अगले 4 दिन यहां पूरी तरीके से बर्फबारी रहेगी, ऐसे में जो पर्यटक हैं उनको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। बिहार के नालंदा अगर आप रुक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मंगलवार को कोहरे की स्थिति यहां पर नजर आ रही है, जबकि बुधवार और गुरुवार को बिजली की चमक के साथ जो बारिश है वो यहां कुछ क्षेत्रों में हो सकती है, जबकि शुक्रवार को कोहरे की स्थिति हम देख पा रहे हैं, और ऐसे में जो तापमान है वो करीब 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान, वहीं न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोई खास बदलाव जो है फिलहाल तापमान में नजर यहां पर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप गुजरात के पोरबंदर जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मंगलवार को कुछ एक जगह जो बादल है वो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उसके अगले 2 दिन मौसम पूरी तरीके से साफ है, और शुक्रवार को भी कुछ एक जगह बादल हो सकते हैं। ऐसे में तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान यहां पर जताया गया है। तो जब भी आप किसी भी शहर में जाते हैं ये बेहद जरूरी कि वहां की मौसम की जानकारी आप लें, और इसीलिए सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो इन दिनों काफी पर्यटक यहां पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में देखिए मंगलवार को यहां पर जो बारिश है वो हो सकती है, जबकि बुधवार गुरुवार शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। तो ऐसे में अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आप अपनी योजना बना सकते हैं। खासतौर से अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो करीब -1 से -1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुछ खास बदलाव इसमें नहीं है। वहीं मिजोरम के आइजोल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मंगलवार और बुधवार को यहां पर, साथ ही गुरुवार को भी कोहरे की स्थिति हमें नजर आ रही है। शुक्रवार को जरूर जो मौसम है कुछ खुला हुआ नजर यहां पर आ रहा है, जबकि अधिकतम तापमान जो है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं
सिर्फ 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है। कुछ खास बदलाव जो है फिलहाल यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति में नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का, अगर आप ताज का दीदार करने जा रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ का मौसम भी कैसा रहेगा। मंगलवार को जरूर कुछ जगह जो बूंदाबांदी है वो हो सकती है, बुधवार को कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, जबकि गुरुवार शुक्रवार दो ऐसे दिन जहां मौसम जो है पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। और ऐसे में आप तापमान की स्थिति भी देख सकते हैं, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, और जो न्यूनतम तापमान है वो भी आप देख सकते हैं 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसी के साथ ही अगर उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं कैसा मौसम रहेगा। मंगलवार और बुधवार को जरूर यहां बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार की अगर बात की जाए तो आप देखिए कुछ एक जगह जो बादल हैं वो यहां नजर आ रहे हैं, जबकि शुक्रवार को मौसम पूरी तरीके से साफ यहां नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 3 से 1 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले समय में तापमान में गिरावट यहां पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात की जाए तो यहां देख लीजिए मंगलवार को कुछ जगह बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को यहां पर कोहरा छाया रह सकता है, घने कोहरे के आसार यहां नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान ऐसे में 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो स्थिति आपने जानी क्या रह सकती है, खासतौर से अगर आप श्रीनगर का रुख करना चाह रहे हैं और काफी पर्यटक यहां भी पहुंचते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के अगर रांची की बात हम करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो यहां नजर आ रही हैं। मंगलवार और बुधवार को जो बारिश की स्थिति नजर आ रही है, जबकि अगले 2 दिन अगर हम देखें गुरुवार शुक्रवार को कोहरे की स्थिति फिलहाल यहां पर बनी हुई है। तो आप सावधान होकर जाएं, तैयारी के साथ जाएं पूरी, क्योंकि 2 दिन बारिश भी नजर आ रही है और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जानकारी ली आपने किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो यहां रह सकती हैं, लेकिन मौसम जो है ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से प्रभावित करता है बल्कि जो हमारी फसलें हैं उनको भी प्रभावित करता है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं उनको किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, कौन कौन से कृषि कार्य वो मौसम को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, आइए इस पर भी अब नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोंकण के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाते रहे। कोंकण के सिंधु दुर्ग और पालघर जिले में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में सिंधु दुर्ग के किसान रबी मूंगफली में हल्की सिंचाई करें, वहीं पालघर जिले के किसान चीकू नारियल और सुपारी के बागों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय तैयार कपास की चुनाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ अरहर की कटाई भी जारी रखे। फसलों की कटाई के बाद उन्हें किसी साफ और सुरक्षित जगह पर रखे। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय गन्ने की रुपाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय गेहूं, काबुली चना और मक्के में शाम के समय सिंचाई करें। मराठवाड़ा में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहां के किसान काबुली चना, गेहूं, रबी मूंगफली और गन्ने में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही तैयार चीकू की तुड़ाई कर लें। विदर्भ में तैयार कपास की जल्द से जल्द चुनाई कर लें। चुनाई के बाद कपास को सुरक्षित जगह पर रखें। यही काबुली चना, कुसुम, ज्वार और गेहूं के अलावा बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ में ही बहुत देर से बोई जाने वाली सिंचित गेहूं की बुआई के लिए AKAW 4627 और PDKV सरदार यानी AKAW 4210 जैसी किस्मों का चुनाव करें। विदर्भ में अगले कुछ दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, साथ ही आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ अरहर और कुसुम में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य किसान यहाँ कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मशरूम की खेती की। जी हाँ, इस मौसम में आप कैसे सफलतापूर्वक मशरूम की खेती करके मुनाफा ले सकते हैं, आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मशरूम जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, यूरिया, पोटाश, जिप्सम
और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा एक साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब दो ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाया रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी ये किया जा सकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो जाना आपने कैसे इस मौसम में आप मशरूम की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और साथ ही आप बता देंगे सारी जानकारी, ना सिर्फ मौसम की जानकारी, खेती किसानी की जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, उसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप ये सारी जानकारी ले सकेंगे मौसम का हाल मौसम खबर के साथ आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।